वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग एंड ब्लॉगिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आ गई हूँ और एक नया रेसिपी के साथ। आज मैं बनाऊंगी बंगाल का एक ट्रेडिशनल डिश चीतल माछेर मुईठा। तो उसके लिए मैं ली हूँ चीतल फिश का दो बड़ा साइज पीस। आप लोग छोटा पीस भी यूज कर सकते हो। इसको मैं माइक्रो में 4 मिनट के लिए दूंगी। आप लोग स्टीम में दे सकते हो, नहीं तो थोड़ा पानी देके बॉईल भी कर सकते हो। और ली हूँ दो बड़ा साइज आलू। आलू को भी बॉईल कर लेना है। देखिए, फिश को मैं माइक्रो में दी थी, ये पूरा सॉफ्ट हो चुका है। अभी इसे सारा कांटा निकाल देना है और जो पानी है उसको फेंकना नहीं है, वो यूज होगा। देखिए, मैं कांटा निकाल दी हूँ। अभी इसको प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैं दी हूँ बॉयल्ड आलू, जो पहले से मैं थोड़ा मैश कर ली हूँ, और एक बड़ा साइज ऑनियन को मैं फाइनली चॉप्ड कर ली हूँ। और इसमें देना है मिर्ची, हरी मिर्ची, आप लोग अपना हिसाब से दीजिए। और दे रही हूँ थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, नमक, स्वाद अनुसार नमक देना है, और दे रही हूँ हल्दी पाउडर। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हो तो अभी इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि फ्राई करने में सुविधा होगा। देखिए, सारा मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी इसे छोटा छोटा बॉल बनाना है। और अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। अभी सारा बॉल बना लेना है। और एक बात जो मैं बताना भूल गई थी, मैं 2 आलू बॉयल की थी, वो सारा नहीं लगा। आप लोग जब फिश को प्रिपेयर करेंगे तब जितना लगेगा उसी हिसाब से बॉयल्ड आलू यूज़ कीजिए। बॉल बन के रेडी हो चुका है, अभी इसको फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करना है। आप लोग कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल या वाइट ऑयल। मीडियम फ्लेम में गोल्डन फ्राई करना है। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये फिश बहुत सॉफ्ट है और इसके साथ आलू है, बॉयल्ड आलू, तो ये टूटने का चांसेस रहता है। इसलिए अगर फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दीजिए। देखिए, गोल्डन फ्राई हो चुका है। अभी इसको साइड कर देंगे। फिश से आप लोग बहुत सारा रेसिपी बनाए होंगे, लेकिन ये डिश जरूर एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। वही कढ़ाई में मैं दी थी 4 टेबलस्पून ऑयल, 2 तेजपत्ता, 4 से 5 इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा और 1 सूखा लाल मिर्च। मीडियम फ्लेम में सारा मसाला अच्छे से भून लेना है। अभी देना है 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से भून लेना है जब तक इसका कच्चा स्मेल चले ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट ही लगेगा। इसे ज़्यादा भून लेने से अदरक पीता हो जाता है। मीडियम फ्लेम में भूनना है। अभी दे रही हूँ 2 स्प्लिटेड हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, काश्मीरी रेड मिर्च 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा हल्दी। अच्छे से सारा मसाला फिर से 2 से 3 मिनट भूनना है। मीडियम फ्लेम यूज़ करना है। मसाला भून चुका है। अभी इसमें मैं दे रही हूँ टोमेटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज टोमेटो को मैं पेस्ट बना ली थी। अभी सारा मसाला और 3 से 4 मिनट पकाना है। हमेशा मीडियम फ्लेम ही यूज़ करना है, क्योंकि हाई फ्लेम में मसाला जलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। देखिए, मसाला भून चुका है। अभी इसमें दे रही हूँ थोड़ा सा चीनी टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए, और चीनी देने से कलर भी अच्छा होता है। अभी दे रही हूँ पानी। आप लोग जैसा ग्रेवी चाहते हो उसी हिसाब से पानी ऐड कीजिए। पानी में उबल आने तक वेट करना है। देखिए, उबल आ चुका है। अभी इसमें दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक,
हमेशा मार्केट में चीतल फिश अवेलेबल नहीं रहता है और ये फिश भी बहुत कॉस्टली होता है। आप लोग चाहो तो ये प्रोसेस फॉलो करके दूसरा फिश से भी बना सकते हो। अभी मैं सारा फिश बॉल दे रही हूँ मसाला में। ये फिश जितना कॉस्टली है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अभी मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट ही कुक करना है। ये डिश खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मा गर्म चावल के साथ सिर्फ ये मिल जाए तो और कुछ नहीं लगेगा। देखिए ये हो चुका है। फ्लेम ऑफ करके ऊपर से 1 टेबलस्पून घी दे के 4 से 5 मिनट कवर करके रखना है। उसके बाद ही इसको सर्व करना है। तो रेडी हो चुका है हम लोगों का चीतल मच्छर मुईठा। और मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।